हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए और आप दोनों के कनेक्शन के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपकी जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सी, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, एक अच्छा फ्लो। ठीक है, तो जो ब्लॉकेजेस थे आपके पर्सन के दिलो दिमाग में वो कहीं ना कहीं मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और करंटली मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस में फ्लो आ रहा है। ठीक है, अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे या फिर इमोशनली ब्लॉक्ड थे, जैसे कि अगर उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, थ्रोट चक्रा बंद था, ब्लॉक्ड था, तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है बैलेंस में आ रहे हैं आपके पर्सन के करंटली, जिसके वजह से वो आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिसके वजह से वो आपके तरफ उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कोई दबाव है या फिर कोई आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आपके पास आना होगा या फिर आउट ऑफ ड्यूटी उन्हें निभानी पड़ेगी। आउट ऑफ लव उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके तरफ आना है। ठीक है, उन्हें आपके साथ बढ़ना है, उन्हें आपके चीज़ों को आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स हैं, उन्हें मीट करना है। सो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने जब प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये इसके लिए करना है, मुझे इस रिश्ते में आना है, मुझे इस रिश्ते में मेहनत करनी है। तो पूरी तरीके से ये जो पर्सन है वो इस चीज़ को ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि अगर किया है तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ जेन्युइन बीइंग, ऐसे अच्छे पर्सन हमें करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सेल्फलेस नज़र आ रही है अभी फिलहाल के लिए। आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये सेल्फलेसली सोच रहे हैं, अपने तरफ का नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये गिवर बनना चाह रहे हैं, गिवर, गिविंग वाली एनर्जी में आपके पर्सन करेंटली है। सो करेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जितना हो सके उतना खुशियाँ देना चाह रहे हैं आपको, उनका मन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप या फिर सिर्फ आप आपको पाने के लिए ऐसा करेंगे, बल्कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें अपने तरफ से करना है, बिकॉज ये दिल से चाहते हैं वो चीज़ को करना। और इन रिटर्न इनके मन में मुझे कोई आशा या कोई एक्सपेक्टेशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो बस आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस आपके लिए करेंगे, इन रिटर्न कुछ मिले ना मिले। ठीक है, तो इनके इमोशंस फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं करेंटली। ठीक है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं मुझे करेंटली। करने मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत सपने देख रहे हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बंद है, हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके रिश्ते को लेकर। आप दोनों के बारे में ये सोच रहे हैं, आप दोनों ये आपको लेकर प्लान कर रहे हैं अपने साथ, अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपको लेकर, अच्छे सपने। ओके, और कहीं ना कहीं इनके एनर्जी में, इनके चक्रास में बैलेंस आया है, जिसके वजह से वो आपके तरफ आपके टूवर्ड्स आते हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और चाह भी रहे हैं कि वो आगे बढ़े, आपके साथ आपके करीब आए। ठीक है, और आपसे दूर जाने के बगैर आपके और भी ज़्यादा पास आए।
ठीक है, ये फील मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। और सेल्फलेस एनर्जी, सेल्फलेसली लव जो है वो इस पर्सन के अंदर पनप रही है, वो इमोशन इनके अंदर पनप रहा है, जहाँ पर कोई इनके नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, होप्स कुछ भी, या कुछ कुछ इंटेंशंस इनके वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बस आपके लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, और क्योंकि ये प्यार करना चाहते हैं तो आउट ऑफ लव सब कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं। करेंटली करेंटली मन हो रहा है कि आपको घुमाए फिराए, आपको सरप्राइज दे, आपको हैप्पीनेस दे, ठीक है, आपको पूरी तरीके से पेडेस्टल पे बिठाना चाह रहे हैं करेंटली, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन बहुत ही अच्छे फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, दिल से आपको फील कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो एक वाइब्रेशन भी महसूस कर रहे हैं, अगर आप उन्हें मिस कर रहे हो या फिर आप उन्हें लविंग थॉट्स से याद कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशन उन्हें मिल रहा है। ओके, बहुत क्लियरली तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी यू नो शेड हो गई, मतलब कि निकल गई इनके अंदर से, अगर कुछ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या कुछ और इश्यूज थे अगर इनके तो, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक अनकंडीशनल एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ अनकंडीशनली करना चाहिए, रैदर देन किसी दूसरे फैक्टर्स पे फोकस करके या फिर यू नो कुछ और बातों को सोच कर। सो या डेफिनेटली बहुत ही अच्छे माइंडसेट में हैं आपके पर्सन, बहुत ही अच्छा फील भी कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है आपके पर्सन। तो आपके पर्सन को ऐसा सच कोई भी अभी नेगेटिविटी या फिर आपसे दूर जाने का थॉट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर यू नो ये वाइज बन रहे हैं धीरे धीरे, मतलब एक विजडम आ रहा है इनके अंदर, ठीक है, इनर विजडम इनके अंदर आ रहा है। तो हो सकता है वो जो चेंज इनके अंदर आ रहा है वो आपके प्रेयर करने की वजह से है, या फिर यू नो आपके विश्वास करने की वजह से है, या फिर जैसे भी हो, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एनर्जी में डेफिनेटली आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यू नो सीरियस होते जा रहे हैं आपको लेकर, बहुत जल्द आपकी बातचीत हो सकती है, अगर आपकी बातचीत नहीं बंद है तो। और उस बातचीत में ही, उस एक कन्वर्सेशन में ही आप समझ जाओगे कि मैंने ये जो रीडिंग में बोला वो कितना ज़्यादा आपको यू नो दिख जाएगा, आपके पर्सन के अंदर जो चेंज हो रहा है वो आपको दिख जाएगा बहुत जल्द, ठीक है, चाहे वो कैसे भी दिखे लेकिन दिखेगा, चाहे वो कॉल के थ्रू दिखे, टेक्स्ट के थ्रू दिखे, या सामने मिलकर आप उन्हें देखो, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, बट आपको ये पॉजिटिव चेंज, ये मिराकल आपको अपने रिश्ते में बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके लिए करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके हैप्पीनेस बनना चाहते हैं, वो आपके हैप्पीनेस के रीज़न बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी खुशी में उनकी खुशी है, ठीक है, और आपको अच्छे से रखना मतलब वो खुद सेटिस्फाइड रहेंगे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको उतना आइडिया नहीं है, मतलब आपको आइडिया मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो आइडिया आपको मिल रहा है अपने पर्सन से रिलेटेड करंट फीलिंग्स की, वो आपकी खुद की बनावटी है, मतलब आपको लग रहा है कि आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन शायद ऐसा सोच रहे होंगे आपके लिए, बट आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा ये पर्सन नहीं सोच सकते, ये हम खुद से ही सोच रहे हैं शायद, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन लिटरली इमोशनली इंक्लाइंड है आपकी तरफ, ठीक है, सो बहुत ही अच्छी भावनाएं, इमोशंस आपके पर्सन के हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। सो इसे मैं साइड में कर दूंगी, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी गाइस। ओके, फिर हम और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। ओके, सो वी व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर विद दोज यू लव। सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि यू नो एक रियलाइजेशन आपके पर्सन को ऑलरेडी हो चुका है कि नेगेटिविटी में या प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं रखा है, ईगो में, एटीट्यूड वगैरह में भी कुछ नहीं रखा है, जो भी रखा है वो है मेमोरीज़ में एंड प्यार में। तो आपके पर्सन बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आए, आप दोनों मेमोरीज़ बनाओ अच्छे अच्छे, आप दोनों क्लोज आओ और आप दोनों मिलकर हर एक पल को इन्जॉय करो, हर एक पल को चेरिश करो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, चाहे वो पास्ट की हो या फिर यू नो आने वाले फ्यूचर की। वी हैव एडवांसमेंट। सो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा उसमें ग्रोथ आएगा, ठीक है, वो और भी ज़्यादा हायर लेवल पे बढ़ने वाला है, उसमें एडवांसमेंट आने वाली है,
ओके और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फॉरवर्ड बढ़ोगे, ठीक है, और सोल लेवल पर भी आप दोनों फॉरवर्ड बढ़ोगे। यस डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो लिमिटेशंस है वो हटेंगी, ठीक है, जो बाउंड्रीज है, जो कि अनहेल्दी बाउंड्रीज है वो भी हटेंगी, ठीक है, और सही पाथ पर आप दोनों मिलकर चलने वाले हो, ठीक है, तो यूनियन तो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।